साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे, जी जान से जुटे रहे, जीवन भर काम करते रहे। मैं आज के युवाओं से कहूंगा कि जब भी मेरे देश के युवा हैं, मेरी इस बात को गौर से सुनिए, मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जिस तरह एक लक्ष्य, एक निष्ठ होकर भारत की आजादी के लिए जुटे रहे, वो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। और साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मुझे देश के एक और महान स्वातंत्र सेनानी, गुजरात के सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का भी स्मरण हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप जी विशेष तौर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा जी और लाला हरदयाल जी से मिलने के लिए यूरोप गए थे। उसी बैठक में जो दिशा तय हुई, उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के तौर पर देखने को मिला। इस सरकार का नेतृत्व राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही किया था। ये मेरा सौभाग्य था कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो मुझे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की अस्थियों को 73 साल के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की अस्थियों को भारत लाने में सफलता मिली थी। और अगर आप कभी कच्छ जाने का मौका मिले, तो कच्छ के मांडवी में श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का एक बहुत ही प्रेरक स्मारक है,
जहां उनके अस्थि कलश रखे गए हैं, वो हमें मां भारती के लिए जीने की प्रेरणा देते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे फिर से एक बार ये सौभाग्य मिला है कि मैं राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे विजनरी और महान स्वतंत्र सेनानी के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहा हूं।